ये बात कुछ समझ में नहीं आई मास्टर साहब। और मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आई। आप मना कर दीजिए उन्हें। आप मुझे इन खातून की नीयत में फतूर लगता है। उन्हें कह दें कि आइंदा यहां ना आए, मना कर देते। मैं ऐसे घराने में अपनी बेटी को कैसे भेज सकता हूं जहां मेरी बेटी के साथ इतनी ज्यादती हुई हो। दोनों भाई हैं, एक की मां चुपचाप देखती रही जब मेरी बेटी के साथ ज्यादती हुई और दूसरे की मां फौरन ही रिश्ता लेने आ गई चंद्रबाद मुनासिब वक्त का इंतजार किए बगैर। कैसे लोग हैं? मेरी बेटी दोबारा उस घराने में नहीं जाएगी। एक तजुर्बा काफी है। आप मना कर दीजिए। क्या हरकत की तूने? क्या मुझे बगैर बताए वहां चली गई हो? हद हो गई। तो तुझसे मैं इजाजतनामे पे दस्तखत करवा के जाती? मुझे पता होता ना कि इस नियत से जा रही हो, कभी ना जाने देता। और तुझे मसला क्या है? मुझे मसला क्या है? मुझे मसला ये है कि तलाक याफ्ता रहेगी ये तेरे बेटे के लिए बस। एक तो इतनी मुश्किल से मैं तेरी माँ पे शादी करवाने की कोशिश कर रही हूँ मनुस, और तू ऐसी बातें कर रहा है। उससे शादी नहीं करूंगा मैं, सुन लो, उससे शादी नहीं करूंगा मैं। मेरे भी कुछ अरमान है। अरमान बेटा खाली जेब तो पूरे होते नहीं। अब ऐसी अंधेर भी नहीं मची हुई, ठीक ठाक कमा लेता हूँ। जिस तरह खींच तान के गुजारा मैं करती हूँ ना, वो मैं ही जानती हूँ। एक कमाऊ लड़की घर में आ जाएगी तो हमारे भी दिन बदल जाएंगे, और तू एक चने के झाड़ पे चढ़े चला जा रहा है। माँ माँ देखो, ये इतना आसान नहीं है। मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे सोचो, और खानदान में वैसी बदनाम कर चुकी हो तुम उसको, और सबसे बड़ी बात ताई को और नईम भाई को कैसे कैसे सामना करेंगे हम उनका। तसल्ली रख, मैंने सब कुछ सोच के रखा हुआ है, अभी बस दुआ करके वो मान जाए किसी तरह। माँ मैं नहीं करूंगा उस लड़की से शादी, सुन लो तुम। और एक बात बता दू, सही से जांच पड़ताल कर लो उस लड़की की, ऐसा ना हो धोखा खा जाओ तुम भी नईम भाई की तरह। मैं नहीं करूंगा उस लड़की से शादी। मैं देखती हूँ कैसे नहीं करता तू उस लड़की से शादी। मैं नहीं करता उस लड़की से शादी। मेरा दिमाग खराब करने के लिए बैठे हुए। नहीं करूंगा मैं वहां शादी, शादी तो इसकी मैं ही होगी। दिमाग तो खराब नहीं हो गया उनका? ऐसे कैसे आ गई वो मुंह उठा के आपका रिश्ता मांगने के लिए? एहसान करने आई थी, रिश्ता मांगने नहीं आई थी। तो आपको उन्हें उसी वक्त इनकार कर देना चाहिए था, और धक्के देके उन्हें इस घर से बाहर निकाल। घर आए मेहमानों के साथ इस तरह सलूक नहीं करते। ऐसे मेहमानों के साथ ऐसी सलूक किया जाता? और मान ली मेरी बात, एहसान जताने नहीं आई थी, देखने आई थी कि हम लोग किसान हैं। जब जिंदगी सौतेलापन दिखाए दुनिया वालों से नरमी की उम्मीद नहीं रखता। जो भी आएगा हाथ में पत्थर लिए आएगा। उस मारने का अंदाज अलग होगा। कोई हमदर्दी की आड़ में आएगा तो कोई सीधा वार करेगा। करेंगे सब एक जैसे ही सुलूक। तो उन्हें तो बहुत अफसोस हो रहा होगा, ऐसे सही सलामत आए क्या? मम्मी ने कहा सुन लिया ना, तो
हम माँ बाप हैं यार। उम्मीद तो होती है कि हमसे गलती नहीं होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बड़ी बड़ी गड़बड़े कर जाते हैं हम। कभी उन्हें छुपा लेते हैं और कभी उसकी सजा तुम लोगों को भुगतनी पड़ती है। मेहरू, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है तुम्हें इस तरह देख के। मैंने नहीं सोचा था कभी इतनी बेचारगी देखूंगी मैं अपनी इतनी दिलेर बेटी में। हमसे गलतियां होंगी बेटे, हम गिरेंगे संभलेंगे, लेकिन हम एक दूसरे को छोड़कर भागने का नहीं सोचेंगे कभी। कसूर हमारा था मेहरू, तुम्हारा नहीं। तुम्हें किसी को कुछ साबित नहीं करना है बेटे। तुम खुद को कसूरवार समझना बंद करो। और आज ये रिश्ता, ये नालायक जरूर हैं बेटे तुम्हारे माँ बाप, लेकिन इतने बेहिस नहीं है कि तुम्हें दोबारा वापस उसी दोजख में झोंक दें। परेशान मत हो मेरू,